तो ये कुछ लोकेशन है, काफ़ी बेहतरीन लोकेशन यहाँ पे। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे एक नए वीडियो के साथ। तो हमें आनंद और आप देख रहे हैं एपी ब्लॉग्स आनंद। सो गाइस, आज हम लेके आपको आए जो है शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर पे, और यहाँ पे झारखंड ट्रैवल फूड जो हमारे पीछे देख सकते हो यहाँ पे मेन्यू कार्ड, और काफ़ी यहाँ पे सस्ते दामों में खाना जो है झारखंडी खाना यहाँ पे खिलाया जाता है। सारा चीज़ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड यहाँ पे पूरी जो मेकिंग होती है सारा चीज़ आपको हम इस वीडियो में आप लोग को दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको चावल रोटी, बुढ़वा रोटी, अरवा चावल, ढेकी चावल, सारा चीज़ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो सारा चीज़ का मेकिंग हम आप लोग को इस वीडियो में देने वाले हैं। काफ़ी मज़ेदार वीडियो है होने वाला है। एंड अगर लोकेशन की बात की जाए तो अभी हम हैं तिरला में, तिरला पहाड़, तिरला बस्ती में है। तो गूगल मैप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इजीली यहां पे आ सकते हो। तो फाइनली हम डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। यहां पे बत्तख, ये देखो आप देख रहे हो कितना सारा यहाँ पर बत्तख है, देखो पानी में। यहाँ देख सकते हैं लोग भाई जो है मुर्गा को एकदम अच्छे तरीके से पकड़ लिए, और देखिए ये चिल्ला। तो भैया इसको झोल रहे अभी, झोलने से क्या होगा? सफा होगा, साफ। हाँ। मतलब जितना भी स्किन है उस पे बचा हुआ है सब हट जाता है, नहीं? चलिए आप लोग को अंदर लेके चलते हैं और आप लोग को दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा। तो अगर आप अंदर आते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रहा कुछ किचन का एरिया जहाँ पे खाने को बनाया जाता है। बन रहा है क्या दीदी? यहाँ पे देख सकते हो खाना यहाँ पे बन रहा है, और देख सकते हो काफ़ी सारा यहाँ पे चूल्हा जो है, यहाँ पे खाना जो बनाया जाता है। ये चेक करो, ये है दीदी का कुछ किचन का एरिया। सो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो दादी को अच्छे तरीके से यहाँ पे प्याज को जो है ना साफ कर ले रही हैं। तेल गरम होके प्याज जो हमारा कढ़ाई में डल चुके हैं, ये देखो। और यहाँ देखो हमारा चिकन भी यहाँ पे देसी चिकन कढ़ाई में डल चुका है। तो ये देख सकते हो हमारा चिकन जो है, देसी चिकन अच्छे तरीके से दीदी जो है यहाँ पर भून रही हैं। ये चेक करो, ये देखो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे दीदी जो है भून रही है। सो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो हमारा चिकन को अच्छे तरीके से भुना जा रहा है, और पूरे लकड़ी के आंच पे हमारा जो है ना, ये देखो आप, हमारा बहुत अच्छा तरीके से यहाँ पे भुना जा रहा है, एकदम देसी तरीके से, देसी स्टाइल में, झारखंडी स्टाइल में यहाँ पर हमारा चिकन जो बन रहा है, ये देखो। ये देखो, तो ये देखो अब हमारा यहाँ पे नमक जा रहा है, नमक को ऐड किया जा रहा है। तो अब हमारा यहाँ टमाटर को ऐड किया जा रहा है, ये देखो। तो टमाटर को हमारा ऐड कर गया है, ये देखो। तो हमारा यहाँ पे अच्छे तरीके से चिकन को भूना जा रहा है, और यहाँ देखो हमारा छिलका रोटी, इसी चूल्हे पे हमारा छिलका रोटी यहाँ पे बन रहा है, ये देखो। यहाँ पे देख सकते हो हमारा हल्दी जो डाला जा रहा है यहाँ पे, देखो पे हमारा जीरा गोलकी का पेस्ट ऐड किया गया, ये देखो, ये देखो, ये देखो काफ़ी। तो ये देखो अच्छे तरीके से यहाँ पे दीदी जो है हमारा चिकन को भून रही है, ये देखो। तो दीदी अभी और कितना समय लगेगा इसको भूनने में? अभी मसाले को ऐसे ही भूनने वाले हैं कुछ देर, उसके बाद हमारा पानी को ऐड किया जाएगा। तो यहाँ पे हमारा पानी को ऐड किया जा रहा है, ये देखो। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा चिकन जो काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे बन रहा है। तो हमारा तेल को अच्छे तरीके से घसा जा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे देखो अच्छी तरीके से हमारा छिलका रोटी जो है डो यहाँ पे तवे पे हमारा जा रहा है, ये देखो, लोरी बोल सकते हैं इसको।
और गाइज ये देखो अब हमारा एक चूल्हे से दो यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा हुआ है, तवे चढ़ा हुआ है यहाँ पे, और दोनों चीज़ यहाँ पे बन रहा है। और हमारा चिकन देखो बहुत लटपट यहाँ पे, लगभग हमारा चिकन जो है तैयार हो चुका है। ये देखो आप मीट मसालों को हमारे यहाँ पे ऐड किया गया है। ये देखो तो सबसे पहले स्वागत है दीदी हमारे चैनल पे, अपना नाम बता देंगे और ये होटल कब से है कुछ हमारे को बता दें यहाँ पे। अनीता देवी। तो ये दीदी ये होटल कब से है आपका यहाँ पे? लॉकडाउन समय से। तो यहाँ पे देख सकते हैं, देख दीदी और हैं तो इनसे भी पूछते हैं, दीदी इतना फेमस आपका ये दुकान हो रखा है, काफ़ी दूर दूर से लोग आ रहे हैं, तो क्या ऐसे खाने में आप खिला रहे हो, कितना मतलब कि पब्लिक पसंद कर रही है? यहाँ पे सब चीज़ देसी खाना बनता है, यहाँ के जंगल का जितने भी साग हो जाते हैं वो सब खिलाते हैं, देसी मुर्गा, देसी बत्तख, यही सब खिलाते हैं यहाँ पे, इसीलिए फेमस है यहाँ। हाँ, मड़ुआ रोटी है, छिलका रोटी है। बताएं कि हफ्ते में कभी बंद भी रहता है दुकान? अभी तो फिलहाल नहीं रखते है, इमरजेंसी रहता तभी बंद रहता है, तो नहीं रहता है। ज़्यादा भीड़ रहता है सैटरडे और संडे को रहता है, लेकिन गारंटी नहीं रहता है, कभी भी भीड़ हो जाता है, ऑर्डर कभी भी आता है तो बनाना पड़ता है। ये एड्रेस एक बार हमारे ऑडियंस को बता दें, ये पूरा एड्रेस कहाँ पे है? ये है और मांझी पे है, और मांझी परखंड पड़ता है तिरला। हाँ, तिरला में है। आपको यहाँ कुचू से घुसना पड़ेगा, कुचू से मांद्रो आइएगा, मांद्रो पर से बायां मुड़ जाइएगा, वहाँ से सीधे आ जाइएगा यहाँ पे, पूछने से कोई भी बता देगा आपको। ऐसे ही तो फेमस हो गया है होटल। तो ये दीदी सुबह कितने बजे से और रात को कितने बजे तक रहता है ये दुकान? सुबह 8 बजे से और शाम 8 बजे तक। हाँ, ये देखो हमारा छिलका रोटी जो है तैयार हो चुका है, ये देखो। और ये देखो चूल्हे पे हमारा एकदम अच्छे तरीके से बन रहा है, ये देखो। तो ये देख सकते हो कुछ ऐसा लोकेशन है यहाँ का, ये नज़ारा है यहाँ पे, ये देखो आप। अगर आप आगे ऊपर आते हो तो ये कुछ अच्छा लोकेशन आपको मिलने वाला है। तो चलिए आप लोग को ऊपर लेके चलते हैं और दिखाते हैं खाने का लोकेशन कैसा है यहाँ पे। आप ये कुछ लोकेशन है यहाँ से आपको दिखेंगे, और नीचे पे पूरा एकदम गांव बसा हुआ है, देख रहे हो आप, पूरा अंदर पूरा एकदम नीचे गांव बसा हुआ है। तो यहाँ पे हमारा खाना भी आ चुका है, ये आप देख सकते हो। तो ये देखो हमारा खाना यहाँ पे आ चुका है। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो हमारा प्लेट बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे लगा दिया गया। ये देखो चावल यहाँ पे हमारा, देसी चिकन यहाँ पे, और ये देखो आप हमारे यहाँ पे छिलके रोटी है यहाँ पे, और ये देखो हमारा यहाँ पे प्याज आ चुका है, यहाँ पे है नमक, और यहाँ पे है मिर्चा, और यहाँ पे हमारा मिल चुका है साग। तो फटाफट इसको करते हैं टेस्ट और आप लोग को बताते हैं कैसा यहाँ पे बना हुआ है। तो पहले हम ट्राई करते हैं यहाँ पे चावल के साथ कि चिकन जो है कैसा बना हुआ है। तो गाइस मसाले का जो टेस्ट है ना बहुत अच्छी तरीके से आ रहा है, जो भी कुटा हुआ मसाला यूज किया हुआ था उसका जो फ्लेवर है एकदम अच्छे से आ रहा है। और हमारा ये देसी चिकन एकदम देसी स्टाइल में, एकदम झारखंडी स्टाइल में चूल्हे पे और भी लकड़ी पे बनाया गया था, तो काफी अच्छा स्वाद आ रहा है। अगर चिकन की पीसेस की बात की जाए तो मीडियम साइज का पीसेस हमने रखवाया था, और ये देखो चिकन हमारा काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे पका हुआ है, और काफ़ी अच्छा ये चिकन लग रहा है। तो चलिए इसको फटाफट हम छिलके का साथ ट्राई करते हैं। तो ये देखो हमारा यहाँ देखो, तो फटाफट इसको हम करते हैं टेस्ट।
तो गाइस बहुत अच्छा टेस्ट जो आ रहा है ना, एकदम छिलके साथ एकदम मसालेदार, एकदम टेस्ट है एकदम। हमने जो है चिकन को एकदम मसालेदार रखवाया था और टेस्ट जो है भाई साहब बहुत ज़्यादा निखर के आया, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप भी अगर खाना चाहते हो ऐसे मज़ेदार और झारखंडी ट्राइबल फूड, तो आपको आना पड़ेगा तिरला गांव, तिरला पहाड़ पे। और ये हमारे पीछे देख सकते हो, काफ़ी अच्छा नज़ारा यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। तो ऐसा लोकेशन को अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं, पूरा शहर से शोर शराबे से दूर, अगर अकेले में आप खाना चाहते हो ऐसा फूड, तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। और यहाँ पे गाइस बहुत अच्छा फूड आपको मिलता है यहाँ पे। तो मेरा एक सजेशन है, आप यहाँ पे एक बार आओ एटलीस्ट और खाओ, बताओ टेस्ट कैसा लगता है। तो फटाफट इसको हम करते हैं ख़त्म और मिलते हैं आप लोग से नया वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।